नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर खनन माफिया के हौसले हुए बुलंद। कानपुर के थाना सचेंदी अंतर्गत ग्राम ईश्वरीगंज और बिनौर का पूरा मामला। किसान की जमीन पर अवैध खनन माफिया का आतंक। खनन माफिया का इतना बोलबाला है कि पुलिस भी खनन माफिया के आगे नतमस्तक हो गई। खनन माफिया और सचेंदी थाना की पुलिस की मिलभगत से किसान की जमीन और बौचरा की जमीन पर अवैध खनन कर रहे हैं। जब किसान अपनी जमीन का विरोध करता है तो खनन माफिया उस किसान को मारने पीटने में आमदा हो जाते हैं। जब किसान ने 100 नंबर और संबंधित थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी तो पुलिस ने कार्यवाही के नाम पर लीपापोती करके उनको छोड़ दिया। बेचारा किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक तरफ सूबे के मुखिया भू माफिया और खनन करने वालों को कठोर कार्यवाही करने को कह रहे हैं तो वहीं संबंधित थाना पुलिस खनन माफिया को पनाह दे रही। खनन माफिया के नाम निम्नवत है: राहुल सिंह, पंकज सिंह, राधा सिंह और उनके तमाम सहयोगी हैं, जो अपने पैसे के रिश्वत के दम पर किसानों पर जुल्म ढा रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस कार्यवाही के नाम पर कौन सा सेटिंग गेटिंग का खेल खेलती है। पीड़ित गुरदन सिंह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा आपका? कहाँ के निवासी है? क्या मामला हो गया है? माफिया लोग जबरदस्ती मछली उठाते हैं, खेत से रास्ता बना दिया है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है राहुल सिंह, पंकज सिंह, हरपाल, राधा, हरपाल, ये सब है। इसकी सूचना आपने प्रशासन को दी? जी, प्रशासन को दिया, चौकी में भी दिया, थाने में भी दिया। प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि रात में हमने जबरदस्ती इनको पकड़ा भी दिया। आप हमारे चैनल द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील करना चाहते हैं, हमको न्याय मिले। हम मरते भी हैं, हमको साथ मारा भी, हमको लाते हैं, रात में मारा भी है, हमको पकड़ के दरवाजे आके मारा भी, हमको आके जान से मारने की धमकी भी देते हैं। जान से मारने की धमकी कौन देता है और उसका क्या नाम है? राहुल सिंह, अस्पताल से दोनों लोग।